नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कंचन सिंह। स्वागत करती हूं आपका वन इंडिया हिंदी में। आज हम बात करेंगे आंध्र प्रदेश के अरकू लोकसभा सीट के बारे में, जहां से इस वक्त YSR कांग्रेस पार्टी की नेता कोथापल्ली गीता सांसद हैं। उन्होंने साल 2014 में TDP के उम्मीदवार को गुमड़ी संध्या रानी को 91,398 वोटों से हराया था। साल 2008 में ये लोकसभा सीट अस्तित्व में आई थी। इससे पहले 2009 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के किशोर चंद्रदेव ने ये सीट जीती थी। ये सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। इस लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत 7 विधानसभा सीट आती हैं। इनके नाम हैं पालाकुंडा, कुरपम, पावर्थीपुरम, सेलूर, अरकू, राम पचवेंद्रम और पडेरू विधानसभा क्षेत्र आते हैं। अरकू घाटी भारत में आंध्र प्रदेश राज्य के विशाखापट्टनम जिले में एक पर्वतीय स्थान है। ये घाटी पूर्वी घाट पर स्थित है और कई जनजातियों का निवास स्थान भी है। अरकू घाटी दक्षिण भारत में सबसे कम प्रदूषित क्षेत्रों में से एक है तथा वाणिज्य स्वरूप में कम उपयोग किया हुआ पर्यटक स्थल भी है। अरकू अपने कॉफी पौधारोपण के लिए प्रसिद्ध है। आदिवासियों द्वारा उत्पादित भारत का प्रथम जैविक कॉफी ब्रांड सन 2007 में जारी किया गया। अरकू में उत्पादित उत्तम किस्म का कार्बनिक ब्रांड कॉफी अरकू एमराल्ड की बिक्री वैश्विक स्तर पर की जाती है। साल 2014 के चुनाव में 9,09,614 लोगों ने वोट दिया था। इसमें पुरुषों की मतदाताओं की संख्या 4,91,350 और महिला मतदाताओं की संख्या 4,58,264 है। 71% लोगों ने इस चुनाव में वोटिंग की थी। इस सीट पर कुल मतदाताओं की संख्या 12,72,724 है। इसमें से पुरुष मतदाताओं की संख्या 6,22,416 और महिला मतदाताओं की संख्या 6,50,308 थी। अकरू लोकसभा की कुल जनसंख्या 19,26,513 है। इसमें ग्रामीण जनसंख्या 91.59 है, जबकि शहरी जनसंख्या 8.41% है। इस सीट पर अनुसूचित जनजाति के लोगों का प्रतिशत 54.76% है। इसके अलावा यहां अनुसूचित जाति के वोटरों की प्रतिशत 7.23% है। साल 2009 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के किशोर चंद्रदेव को 3,60,458 वोट मिले थे, जबकि दूसरे पर CPIM और तीसरे नंबर पर PRP रही। कांग्रेस के किशोर चंद्रदेव ने ये सीट 1,92,444 वोटों से जीती। इस चुनाव में 67% लोगों ने हिस्सा लिया। कोथापल्ली गीता की बात करें तो दिसंबर 2018 तक संसद में उनकी उपस्थिति 97% रही। उन्होंने सदन में 93 बहस में हिस्सा लिया और 599 सवाल पूछे हैं। इस लिहाज से देखें तो सदन में इनकी सक्रियता काफी अच्छी रही है। YSR कांग्रेस और कांग्रेस ने अभी तक यहां पर एक एक बार जीत दर्ज की है। पिछली बार TDP उम्मीदवार इस सीट पर दूसरे नंबर पर रहे थे। ऐसे में आगामी 2019 के लोकसभा चुनाव में इस सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला हो सकता है। अब देखना दिलचस्प होगा कि वोटरों की इस सीट पर पहली पसंद कौन होगा। वन इंडिया में अगली बार बात करेंगे किसी और लोकसभा सीट के बारे में।